एकदम से जवाब दो भैया, ये तो गजब है गयो, ये क्या हुआ है? एकदम कान लगे भाव का, अब गाड़ी को फैसले ही है गयो। अरे भैया जय बांध बूंद की तैयार करो, जवाब दो रस्सा तो है ना। कान लगे जे लंबे जटन वाले जितने महात्मा है सबके जटा काटो और एक लंबा रस्सा बनाओ और रस्सा से गाड़ी बांध लो। नौजवान साथियों, जिन जिन के लंबे लंबे जटा हते ना, और जो हमारे महात्मा जी ऐसे हते सो तो मुस्कियाए रहे कि खूब काम बनवा बराबर है गए सब हैं। कर बांध बूंद तैयार सुमिर कर तार बढ़े आगे को, हाय हाय बधिया नहीं मारे पाउरे के हट रही है पाथे को। ए दुर्बल दीन शरीरन पीबे नीरन खा जाने को, रास्ता में दुनिया हसत देख बाने को। तैयार करी है नौजवानों, लेकिन बधिया आगे को कदम ना दे रही है। अरे कोई कह के कर की लकारे, कोई उना बेलन के पेना मारे। अरे कोई राधा कृष्ण उचारे, कोई बैठ गए जो जवान साथियों। अब तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कान लगे भैया अब सामरिया के सिवाय गाड़ी को कोई चलाइए ना है। जवाब दो सामरिया के तो गाड़ी यहां का ना आएगो। अरे ने बैलों को सही कर, जवाब दिया बैल सही नहीं होंगे, इसलिए झालर संग उठा ले और सब भगवान को ध्यान धरना शुरू कर दो। भैया सब ने झालर संग उठा ले और बजान लगे और क्या कह रहे हैं, रेत गाड़ी अड़ी मो पे बेपता पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मो पे बेपता पड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। बड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। रेत गाड़ी अड़ी मो पे बिपता बड़ी बंसी बारे, सामलिया शरण हम तुम्हारे। जो भैया झालर शंख बजायो का भयो, अरे भगवान कितने दयालु हैं। उस समय क्या हुआ, बूढ़े से ब्राह्मण बनिया रेला तक रही जिनके दाढ़ी। क्या बोले, तुम संत महात्मा हा के न जानो बिल्कुल गाड़ी। भगवान कहने लगे महाराज लागे न बेलन की है ना, मेरे बाबा जी। हाँ हाँ बाबा जी, बूढ़े से बैल नाए चल रहे हैं तुम काए को रहे भेराए बरियो। बाबा जी बैलन को कछु दोष नहीं, तुम पे गाड़ी नहा किया जाए। मेरे बाबा जी बैलन को कछु। एकदम से भगवान श्याम सुंदर बूढ़े से ब्राह्मण बन गए और कहने लगे महात्माओ, तुमने कहो गाड़ी हाकी है, इन बैलों को कछु दो सुनाए, तुम्हें हाक बे की तमी जनाए। नरसी कहने लगे भैया तुम गाड़ी हाँक ले तो। भगवान कहने लगे हमारे दादे परदादे तो जुई काम हो तो आओ, अब तो बूढ़े हो गए तास भागवत पढ़ने लगे ने, हमने रोज ऊँचे डारी भट्टा।
एकदम जवाब दे तो मेरी गाड़ी हाँक दियो। भगवान कहने लगे यहाँ, अरे जब हम हाँकते रहे तुम लोगों की मुसीबत देख के भला कौन नहीं पिघलेगा, तुम महात्मा जरूर हो फिर भी इंसान हो। ऐसा बढ़ के श्याम सुंदर ने हाथ में पेना ले लिया और गाड़ी पे बैठ गए। हाय बदन की पेना मारियो ना पाओ, हवा ते बातें करने लगी भी तो ऐसे सतर्कान करके और दोनों उड़े। भगवान ने 10 खेत गाड़ी चलाई और गाड़ी चनती हो जाते और पीछे करके महात्मा हाँ बैल चल रहे हैं हाँ हाँ, अरे भैया तुम्हारे हाथ में जादू है, देखो हम पेना मार मार मर गए, एको बदन कदम ना बढ़ाओ। भगवान कान लगे महात्मा हाँ तुमने कहूं सिनेमा देखो सिनेमा। नरसी कान लगे सिनेमा हमने तो कबू नहीं देखो, हम तो जो नहीं जानते सिनेमा कैसे होते। भगवान कान लगे तो सिनेमा हम दिखाए तुम्हें, आहा दिखाओ। तो तुम जितने गाड़ी में बैठे हो सब आंखें बंद कर लो। नरसी कान लगे बहन चोजा कौन सी रील है जो आंखें बंद करके देखीजिए। हाँ आंखें बंद कर लो सो सिनेमा तुम्हें दिखा देंगे, क्या करो। अरे साधु न के ने न मिटाए भैया कौन सा नगर है। बुई नगर है जहां में तुम आओ चाहता थी। अरे भैया जो सिनेमा मैंने कभी ना देखो। भगवान कान लगे अबे तो तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए और बालकनी की लाओ चाहो तो अब की आंखें फिर बंद करो। तो बालकनी में गर्दन में दर्द नहीं होता है, आंखें आप बंद करो। साधु ने कही चलो बालकनी बालू देखे ले, फर्स्ट क्लास बालू तो देखे लाओ। हाय भोले भाले ना समझ पाए जो अखियां बंद करी और हम ना कहे तोलो मत खोलियो कि आहा। हाय हुई है अंतर ध्यान रे हूं अनते बने बारी भैया। अरे गाड़ी वाले भैया अब मैं आंखें खोलू ना, अब कोई हो तो बोले। सब अंधे बने बैठे गाड़ी में, ये कान लगो काय को चूतिया बनोए, अरे पागल है गयो। अरे जे तो महात्मा हमें तुम्हें नचाए रहो है। महाराज नेत्र जब दादा उघारे और गाड़ी सोनी परी के रमिये बंसी बारे ओरे मुरली वाले श्याम के झटका कैसो दे गयो है। खोले हैं तो मुरली वाले से हम रम चुके थे। नरसी कान लगे भैया गाड़ी वाले को तो पता ना है। एक महात्मा कान लगो कछु भाव चाहे रहे चाहे चलो जाए जा आनो हतो ता आए गए। इधर भैया सिर सागर के नर नारे एकदम झारे देखबे को आए और बाबा जी को देख के बहुत तो मोसी क्या है भैया। और सुंदर दिगत संत अरे भगवान सहियन क्यों आए और नरसी के ढग जाए के बचन को जब फरमाए।
भीमसेन नंगर के निवास नरसिंह जी के पास आए और पूछने लगे, भैया कहाँ को जा रहे हो? जवाब दियो है, अरे मैं सिरसागढ़ में मनसा सेठ को भात भरवे को आयो। एक कान लगे जब भात आते कि सामा कहाँ जमे तो कमंडल और चिमटा भरे, जब गाड़ी में माल तो नजर ही ना आ रहे हो। और एक कान लगे, भैया जो दिखत पूरे संत जात कौ अंत करण को मेला, भूरी डाली बालो गुरु और सब चेला। एक कहे समझाई पूछ ले जाए न करियो झमेला, अरे जावे और कोई बहलन को डर पावे और नरसी मन बहुत लजावे। कोई तो कह रहे हो जो भूरी दाढ़ी वाले गुरु हैं और सब चेला हैं, कोई कह रहा है भैया जाके पूछ ले जो कौन है। इस तरह से लोग जब पता लगा लेते हैं कि वास्तव में जो नरसी हैं, सो मनसा सेठ के पास में लोग पहुंचे और कहन लगे, सेठ जी हाँ तुम्हारे समधी साहब आए गए हैं। समधी साहब? हाँ। कौन समधी? नरसी। मनसा सेठ कहने लगा, कैसे आए हैं? जवाब दो, आए तो ज्यादा अच्छी तरह है, जब ते मोहल्ला में आए तब ते हो करके कुत्तन के पेट फूली आई। इसका मतलब बहरुपिया है? जवाब दिया, बहरुपिया नहीं है, उसके साथ में महात्मा ही महात्मा है। तो बंधुओं, मनसा सेठ जल गया है और कहने लगा, सुनो सुन के तने बेन सुरक भय नैन वचन फरमाओ, नरसी न शेर में धसे रे आलग तो बाए। अरे अलग ठहरइयो, अलग ठहरइयो, अलग ठहरइयो, अलग ठहरइयो, बाबा न शेर में धसे रे आलग तो बाए। अंदर ना आ सके और वहां से हमारी गैयन के खरक है ना, उस खरक में जाके ठहरा दो। मेरे बंधुओं, आज नरसी के ठहरने को बाहर दीनों खरक बताए। जा था गैयन को खरक मिल को फरक नगरते भाई, जा हरियल ठाड़े वृक्ष उरे के रहते जो लहराई। ऐसी जगह थी वो, शंकर का मंद ताले अति सुंदर बनो सुखदाई, जा भूमि महारमणी करई छवि छाई, जा भूमि बड़ी रमणी करई छवि छाई। मेरे बंधुओं, भगवान शंकर का मंदिर भी है वहां, हरे हरे वृक्ष खड़े हैं। आर भक्त नरसी बड़ो प्रसन्न है गयो ऐसी जगह पाए के। अरे कोयल कूकत बादन में, कोयल कूक रही बागन में, आ रही मधुर सुगंध फूलन में, सुगंध फूलन में, और भक्त अब खुश भव मन
बेर बाजी पे हुक्म हासिल कीजिए, बाजी बेर पाजी की अनेक बात सही है, बाजी बेर साला दो साला दान कीजिए, बाजी बेर कमल को तू कोड़ रही है, बाजी बेर भोजन अनेक बार कीजिए, बाजी बेर भूखो सोए के तू रहिए, और आधार मत हिम्मत को हारिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे कछु धीरे धीरे नरसीन कर दो हवे काम, अरे कछु धीरे धीरे नरसीन कर दो मधुरो काम, जंझार के चटाई दारी, जंझार के चटाई दारी बुहारी, अरे सब बैठे महात्मा, अरे सब बैठ गए महात्मा, अपनी तो धुन में रहे न चाहे, अरे कल धीरे धीरे नरसी तो आगे रहो मुस्कियाए, नौजवान साथियों, आज भक्त नरसी जो हैं इस तरह से चटाई डाल लेते हैं और बैठ जाते हैं, और ये रामा की शास्त्र में मोहल्ला में चुगलियाँ तो दो चार होती हैं जो नकटन को जे काम इं क्यों इं क्यों करबो, दो चार औरतें पहुंची कहने लगी बहना ते समझ ने तो तुम नाक कटाई दई जिया, ऐसे आओ कि कुत्तन के हो करके पेट फूली है, हाथ नचा नचाए हड्डू करिया तो भन्ना ही गई, और जो भन्ना के रामा के ए बहू इधर आ, सारे रामा डराई गई और एकदम बाहर निकली अम्मा, दांती को पीस के कहने लगी अपनी कल मुही जबान से अम्मा न कहे, रामा की सासुर साई के झुझलाई गिराऊ चारी, बहुअर तेरे बाप ने बात रे मेरी दूरी अज कर डारी, बहू कितना रोका मैंने, अरे नाला तू नहीं मानी, तूने मेरी दो पैसे की करवा दी है, लाई बेसरमाई और शर्म दई छोड़ी भिकारिन सारी, भिकारिन सारी, सुन सुन के रामा मर रही रे सारों की भैया मारी, मैंने पहले ही मना किया था कि तू मान जा और तू नहीं मानी, उसने आकर मेरी दो पैसे की बात करवा दी, ओ कल मुही अगर मेरी इज्जत चाहती है तो उस नाला से कह दे कि वो यहां से चला जाए, मेरे बंधुओं नहीं बोली वो दुखिया, अरे बिटिया छिपी के रे सा सुलते, अरे रामा छिपी के रे सा सुलते, और मिलबे को चली रे बा बोलते, अरे जकी चूनर भीन गई है जलते, और जन रोटी रे खाई नहीं है गलते, सास से छुप करके जब देखे बेकु चली कि मेरे बबुले ही आयो है, या कहूं कि और महात्मा खरक में आके ठहरे, बंधु खरक के दरवाजे पर जिस समय रामा पहुंची है उस समय देखा था कि मुड़िया भस्म रमा बैठे हैं,
अब रामा जय सोच रही, देखो आज 25 वर्ष हो गई है रामा को, अपने बाबुल को नहीं देखा था उसने, और इधर नरसी पर बहुत बुढ़ापा आ चुका था, बाल सन की तरह सफेद हो गए थे। रामा सोचे खड़ी फिक्र बड़ी खड़क पे ठारी, जा बैठे साधु संतौरे के लटकत जिनके दारी। नरसी ने भी पहचान रे गोद में जब बैठारी, नरसी ने लली पहचान के गोद में जब बैठारी। एकदम से भक्त नरसी ने जो अपनी लली को देखो झपट के गए और अपनी बाहों में भर दिया अपनी लाड़ो को, कलेजे से लगा के गोदी में बैठा लो बिटिया रामा पहचान लो मोए। अपने बबुला के चेहरा को देख करके रामा नीचे वाले ओठ को दांतों से दबा गई और कहने लगी, पिताजी तुम्हारी ये क्या दशा है, जब मैंने मेरी डोली को तुमने उठवाया था दरवाजे से, तुम्हारा चेहरा सूरज की तरह दमक रहा था, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, मेरी मैया कैसे है। नरसी कहने लगे, जो मेरी दशा है सोई तेरी मैया की। मानो रामा के कलेजे फट गए हो, और एकदम से कहने लगी, पिताजी जब तुम्हारे पास कछु ना आया तो जब हाथ में ना तुम्हारो कहा डर हो तो तुम ही नाते तो मेरी इज्जत तो बच जाती। अरे कुन बागो ताको बबुला कोई न संगे आओ रे, चाचा और दाऊ को बबुला कोई न संगे आओ रे, मुड़िया साधुन बाबुल संग में अरे तू लाओ रे। और मेरे सासुरा को तूने मानो अरे घटाओ रे, और होता सवेरे जा से रम जा मेरे दाऊ रे। परिवार को तेरी संग ना, अगर ना कचु घर में आते हो तो तुम घर में बैठे रहते हो पिताजी। नरसी कहने लगे, बिटिया आज तोते में देख के तू मुझसे बुरे बोल रही है, 25 साल बाद मुझे मिली है तू। रामा कहने लगी, मैं नहीं मुझे तो पूछो, जा दिन से तू आयो, जब जितने समय से तू आयो का दिशा है मेरी। मार पेट में था पुअरे मेरे बाप कहा तो कुभ्यासी, तूने भली कराई दैया रे शहर में बबुला हासी। मेरे सासुर बोल बोल कलेजे को छोल लगे जस गासी, मेरे मन में ऐसी याद मरूं दे फांसी, मेरे मन में ऐसी याद मरूं दे फांसी। जब से आए हो तब से मेरी सास ने हमें सुख से पानी ना पीन दो बबला, इतने वचन जो सुने तो भक्त नरसी कहां लगो, बेटी घबराए नहीं, और तूने आज मेरो ऐसो अनादर करो लेकिन तू याद कर ले, साहूकार सुता कर ख्याल ब्याह तेरो कियो, मैंने लाखन को धन माल री दान में मिटिया दियो। धन माल दी दान।
तुम्हारे मुंह पे गरीबत आएगी तातू, तू मेरी छाती छोड़ रही है लली। मैं बोई तेरो बबुला हूँ, जो जब तेरी डुलिया उठाई थी तो लाखों का धनमाल मैंने दान में दे तो। आज मेरे पास दौलत ना रही, जासू तू ऐसी बुरी बातें कर रही है। और क्या बोले हैं भक्त नरसी, रोबे मत रामा प्यारी तेरो भाप भरे भरे बनवारी है बन बिटिया, घबराने की कोशिश मत करे। जाने भारी के अंडन पे गज घंटा डाल दियो, जाने द्रौपदी की लाज बचाए ली। बोई कन्हैया तेरो भात भरेगो, एकदम से रामा कान लगी यहाँ बछलिया को नाव मती ले बबूला। जाने जनानो भेष धर के भस्मासुर मार दियो, नरसिंह रूप धान करके बाने हेड़ा का सबको मार दियो। वो मेरे दरबजे पे कभू ना आएगो, ऐसो कौन कौन को भात देगो कन्हैया। अरे बबूला तूने मेरी दो पैसा की कर दी है, तासो ऐसो करिए अगर तेरी आंख में पानी हो तो जल सवेर हो तो तू जानते चलो दे। कहने लगा है भक्त नरसी, बिटिया सदा चमन ना खिले एक दिन मिले धूल में काया, जग चलती फिरती रात ब्रश कैसी छाया। चलती फिरती रात ब्रश कैसी छाया। काय को गुस्सा में बहे ना स्थिर रहते है लली जा माया, जाने करो है गर्व सोई पछताया। दिया है ओ बेटी ये दौलत काव के नाए रहते, अरे जाने गर्व करो है सोई दुनिया में नाए रहे हो। जब जैसे वृक्ष की छाया चलती फिरती है और ऐसे ही जब माया चलती फिरती है। आज मेरे पास दौलत ना तासु तू इतने कड़ुए बोले बोल रही है रामा, एकदम से आंख में आंसू भर के कहने लगी पिताजी मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब से तुम आए हो तब से मेरी सास ने मुझे सुख से पानी नहीं पीने दिया और यह कहती है कि तू जल्दी यहां से चला जा, बस मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। सोई भक्त नरसी रोने लगा, कहने लगा बेटी घबराए नहीं, भगवान तेरो भात जरूर भरेगो। कान लगी जाने कैसे भरेगो, भक्त नरसी समझाए रहे हो बड़ो दयालु है, बाई के पीछे तुम्हें नंगा है गयो, कब मेरी लाज ना बचाएगो। विश्वास रखो बेटी वो इतना दयालु है कि वो तेरो भतैया बन के जरूर आएगो। आज रामा कहने लगी बबूला ऐसो करिए जो बकियो आने की उम्मीद न हो तो तुम तक कालो मो करके चलो जाइए। मैं नहीं चाहती हूँ तेरो भात, तेरे भात बिना मेरे कछु ना बिगत। हाँ मैं नहीं जानती कि तू इतना नंगा है गयो। आज भक्त नरसी जो अपनी बेटी को नाना प्रकार से समझा देते हैं और रामा को भी कुछ संतोष आ जाता है, तो रामा जो है ना अपने बबला के गले से लगकर के मैया की कुशल पूछती है और मैया की दशा को सुन करके रामा बहुत रोती है। समझाया कि बिटिया को खरक में से विदा कर दियो और जो आंगन में पहुंची है वह सासुराण को जन कैसे भनक पड़ेगी कि जो डोले आई सो भकभका के सामने आएगी, कान लेगी ओए आई है बत के आई के चुके ना है। सोई रामा कहने लगी मैया मेरो बबुला सली फकीर हुए सुनो, मैया मेरी सुनो, सासुल मेरी सुनो, अम्मा मेरी कांते लाभ दखनिया चीरे जी। मेरा बबुला सली गरीब है सुनो, मैया मेरी सुनो, सासुल मेरी सुनो, अम्मा मेरी कांते लाभ दखनिया चीरे जी।
सुनो मैया मेरी सुनो सासुर मेरी सुनो बुढ़िया मेरी बाका उन्हें पियायो नानी रे अम्मा मेरी सुनो जननी मेरी मेरो बबुला असल फाकी रे मैया मेरे बबुला के पास कछुना है कछुना तो हिन्न कटा आयु काय को है अरे घर ही बैठो रहा तो जरौड़न मेरे लोग पी के धल लो रामा गान लगी मैया वैसे तो माह को महीना है मेरो बबुल करे सनान सासुन के भेजवा दे पानी बूढ़ी काया है बाकी सर्दी न लग जाए मेरे बबुला को पानी भेजवा दे जा दिन तो बापू ने पूछी बात सासु का उने डर के होका तक नहीं दो तो डोम है जाना जकोरी ना है पास खरक में बास लौटा उने ऐसी का बोदी करी मेरे दाऊ ने ऐसी का बोदी करी मेरे दाऊ ने मेरे बबुला को नेक गर्म पानी भिजवाए दे तासु मेरे बबुला स्नान कर ले को एकदम से सास तो बेसुई जली भुनी बैठी थी सो कह के चढ़ा तो दे हंडियां और इतना खोलता हुआ पानी ले जा जो नकटा के शरीर पत्ते ही पत्ते फपोला पट जाऊ पक्को साधु बना दे हराम जा देखो भैया गर्म पानी मेरे बंधुओं एकदम से जो भेजो है जो नायन लेके पहुंची ले महात्मा जी स्नान कर ले नरसी कान लगे अरे भैया अब समझने लो चपे आई पानी भिजवाई रही जो नरसी ने हाथ दबा में एकदम जल गो से निकाल लो क्यों नायन इतना गर्म पानी नान कान लगे ने कहो समराओ ये जू तो ये ठान लगो अरे नंगटा ये खैरियत मना जो पानी आ रहा है एकदम से भक्त नरसी कहने लगे बेहा अगर तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लगेगा इतना गर्म पानी नायन कान लगे तूने जे कपड़ा काहे को डंगी अरे जल तप करके बरसाए ले जवाब दे रही है अरे जल तप करके बरसाए ले और ठंडो करके बाह में हनाए ले अरे इनका झालरे शंख बजा ले और कछु गोविंद के गुण गा ले सही महात्मा है तो पानी तपस्या के द्वारा बरसा ले और इसको ठंडा करके इसमें स्नान कर ले नौजवान साथियों औरत की जबान गोली से बढ़कर काम करती है चाहे साधु हो या साधु हो बड़े बड़े शेरों को पछाड़ने वाले मिल जाएंगे मगर स्त्रियों ने अपने कटाक्षों से उनको भी घायल कर दिया कैसा भी कटाक्ष आही के तो काटत चढ़े जे चितबत चढ़ी जाई सांप काटता है तभी जहर चढ़ता है लेकिन स्त्री के निगाह से ही इंसान का शरीर घायल हो जाता आई के तो काटत चढ़े जे चितवत चढ़ जाई नारी की बोली गोली सी घायल देत बनाए
देखना, 10 डग सांड और 20 डग कुत्ता, 100 डग नार और 80 डग फुक्का, इतनी दूर रहो इनसे। जो झाल और शंख को उठा करके प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित किया है, क्या हुआ? अरे घन घोर घटा घेरानी, अरे घन घोर घटा घेरानी, और अब बरसन लागो पानी। बरसों में हक रुकी आई मोरी, रामा की नंद की डूबी आई छोरी। पानी बरसा, आंगन भरिया रामा की नंद की छोरी आंगन में खेले, सो मोरी ते अटकी आई जाए, बह गई होती जो ने को चोरी हो मोरी। अब नायन तो गोता लगाते, बब चलो इना जा तो अंगेला नेक बरस सो दब डूबी जाती। जब दिशा होगी बन नकटी को तो घर जन कैसे मिलो होए, ब तो बह जाने। अब लोगों ने समझा कि वास्तव में वक्त नरसी भक्त ही है, तो आज पुरवासी सब एकदम समूह बांध करके चले हैं और भक्त नरसी के सामने त्राहे त्राहे करने लगे, महाराज इस माया को समेटो। इधर भात का समय आ रहा है, इधर दौड़ का अधीश कुबेर भंडारी को हुक्म देते हैं, कुबेर भंडार में जितना भी सामान है सब सामान लेके चलो, तो मेरी भगवत प्रेमियों 56 रथ भगवान ने ला दे, 56 रथ सामान के। रुक्मिणी कहने लगी हमें भी लाए चलो। कहने लगी तुम्हारी क्या हुआ जरूरत है? रुक्मिणी कहने लगी तुम मर्दों को भात पहनाओगे तो हम औरतों को भात पहनाओगे। चंदे मेरे भगवत प्रेमियों, जब खड़क में आए हैं भगवान श्याम सुंदर तो लोगों ने पूछिए भैया कौन हो तुम? भगवान कहने लगे हम नरसी के मुनीम हैं। आप नरसी के मुनीम? हाँ। हमारे सेठ जी कहाँ हैं? मेरे भगवत प्रेमियों, जो भक्त नरसी को सूचना दी है तुम्हारे मुनीम को ही आए हैं, वो मुरली मनोहर मुस्करा रहा है। भक्त नरसी झपट के आज दोनों पैर पकड़ लिए और कलेजे से लग जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने भक्त को कलेजे से लगा लियो, गदगद कंठ हो गया, भगवान को निहार रहे हैं नरसी और रोए के बोलन लगे स्वामी बड़ी देर में खबर लेता, कुगत करबे में कसर नहीं राखी। सोई भगवान कहने लगे हे भक्त मेरे ऊपर दोषारोपण मत करो, बड़ी देर में खबर नहीं लेता हूं मैं, कैसे सुनो तुमने ये मेरे ऊपर दोष लगाई दिया, सुनो भैया। और से रसागड़ से नाई जब तेरी टिठिया लेके आओ रे, तुम कह रहे हो देर में खबर लेते हैं। रसागड़ से नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आओ रे, और बातों नाई को मैंने घर तेरो बतलाओ रे, और नाई के खाने को जब तू बथुआ तोड़ के लाओ रे, और तो से पहले जाए के मैंने भोजन भाई जमाओ रे, तकी जब तूने मोते ध्यान लगाओ रे, और गाड़ी हाक के मैंने तो सिर सागर में पहुंचाओ रे, और समय भात को आएगा मैं तो भात को लेके आओ रे, और सो फेरी तूने मुंह पे उलटो दोष लगाओ रे, हाँ।
खबर लेते हैं, हम तो तुम्हारी खबर सदा लेते हैं और भक्तों की खबर ही तो मैं लेता हूं हमेशा। हाँ बंदो याद रखना है। अब क्या विचार है? कुछ नहीं महाराज, अंदर पदार्पण कीजिए। कहने लगे पदार्पण बाद में होगा, भात का समय आ गया, भात लेके चलो। पहले मनसा सेठ का ये ऋण चुकाना है, उसके बाद में विश्राम करना है। भक्त नरसी कान लगे महात्मन से उठाओ तोमा सूटा, चलो जुई काम पहले कर दो। बड़े खुश हैं, झाल शंख बजाते भाई जा रहे हैं, भगवान पीछे पीछे जा रहे। रुक्मिणी मन ही मन मुस्कुराए रही हैं, चुंदरिया उठन में लगाए हुए सोच रही हैं इनके भक्त कैसे विलक्षण है। दरवाजे पर जो आए हैं भक्त नरसी, रामा को पता लगो सामरिया भतैया आए गए, सोई आरती लेके रामा दरवाजे पर आएगी। मंडप के नीचे भगवान श्याम सुंदर पहुंचे, आज रामा अपने भतैया के चेहरा को देख रही है। कितना सौभाग्य उसका, संसार के पिता को नजर भर के देख रही जो भतैया बन के आए। भगवान कहने लगे सेठ जी को बुलाओ, और नरसी को इशारा दिया है कि वो चिट्ठी निकालो जो खत भेजा था इन्होंने तुम्हारे लिए। भक्त नरसी ने अपने फटी भाई झोली में थे वह चिट्ठियां निकाली, लंबी सतर फैलाई लई है और एक एक अक्षर पढ़ते जाओ। और पहलो अक्षर नरसी जी ने धर के जो सोना हो रे, और सोमन जाने धानी अन को बदन निभाओ रे। अरे सोमन धनियन में जन दो सोमन गहाई रे, और दशा तो देख के पंचो मन सागौ शर्माई रे। सोमन धनिया पहले इन्होंने लिखी थी, एकदम कुबेर भंडारी को इशारा दिया कि 200 मन धनिया इसके सामने डाल दो। और आगे अब पत्र को दोबारा फिर पढ़िए ना महाराज बोई, ना 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 इससे आगे। अरे सोमन मिर्चे जाने नाथ जो लिखाई रे, और 200 मन मिर्चे न को जन दौ ढेर लगाई रे। और क्या, और 100-100 मन की जगह पे दोनों कर निबटाए रहे रे, और मन शादी तो ठाड़े ठाड़े मन में अजला जाए रहे रे। याद रखना, यह नहीं समझ में आता है कि कहां ढेर कितना लंबा है। कुबेर भंडारी सब काम पूर्ति से करता हुआ जा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरह मनसा सेठ के दिल में मानो छुरी चुभ रही हो मगर कुछ आवाज नहीं दे रहा है। अब जवाब दिया है ठीक है, यह तो सब निमट चुका है, जो जिस तरह से लिखा था उसे दुगना करके भगवान ने निपटाया। मनसा सेठ जी कहा इधर आ जाइए, पहले आपको भात पहना, क्यों घर में आप सबसे बड़े हैं। सामने पहुंचे, नरसी जी को इशारा दो, समुद्री को भेंटो। 11 करोड़ की अंगर खीरे नरसी के हाथ गहाई, अंगर की कीमत 11 करोड़। दम हीरा पन्ना दमकत है सुन ले मेरे भाई, महाराज दई मनसा की कंधा पे डार, मोस गरीब की भेंटक समदी कर ली जो स्वीकार। भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है, भैया इतनी के नरसी ने आज मनसा को भेंटो है। महाराज इस तरह खुले छूटे हैं और देख दशा मनसा के आरो छक्का छूटे हैं। ओरे मुरली वालो श्याम भतैया बन के आयो है, आज मुंबंसी वालो श्याम भतैया बन के है।
दर्द लगाई जी, जिसमें हीरा पन्ना जवाहरात धमक रहे हो, इतनी इतनी कीमत की चीजें जो है ना, आज नरसी के सामने जब भगवान पेश करते हैं और वो नरसी अपनी मनसा सेठ समधी को देता है और हाथ जोड़ के कहता, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ। मनसा की गर्दन नीचे झुक गई है और इधर रुक्मणी को इशारा दे रहे हैं, भगवान खड़ी खड़ी मौका तक नहीं हो, 3600 जात किस्त मौजूद हैं, सबको इतना ही कीमती पहनाओगे जितना कीमती का मैं सेठ जी को पहना रहा हूं। बंधुओं इधर रुक्मणी स्त्रियों में चिपट गई हैं और इधर समधी साहब जो पीछे हटे हैं। नरसिंह जी जरा अपने समधन को बुला लो और चिट्ठी में ये देखो कि क्या लिखवाया इन्होंने। हाय बन्नकटी ने तो सिलवट ना लिखा हो तो। एक मन को सिलवट ना रे सोने को इने गहाओ, साधन ने हाथ में लाओ रे साध नहीं भैया पाओ, महाराज के आगे जब गिर गया है ओ न सिलवट ना सदो हाय पाइन फह गिर गया है, रामा ठाड़ी ठाड़ी कहे सास पीछे मत हट जाइयो, रामा ठाड़ी ठाड़ी कहे सास पीछे मत हट जाइयो, पीछे मत हट जाइयो अम्मा पीछे मत हट जाइयो, रामा ठाड़ी ठाड़ी कहे के अम्मा। एक मन का सिलवट न सोने का, समदन के हाथ में जो दौ है बन कटी पे साधो ही ना पान पे गिर पारो। रामा कान लगे पीछे लगा हटती अंगेला करो कैसे आए गई, एकदम इशारा दिया है रुक्मणी जरा इधर आओ, आई ये समधन है और तुम इनके लिए समधन बन जा। और सुंदर एक चुंदरिया हर ने रुक्मणी हाथ गहाई रे, और 7 करोड़ की कीमत अब कुबेर ने वा समझाई रे, और हीरा पन्ना से दमकत जगी चमक कही ना जाई रे, और सुंदर सो घांगरो एक समधन क्यों दो गहाई रे, और 11 लाख की कीमत आए घांगरे की राम बताई रे, और दशा देख के समधन नीचे को गई निगाह झुकाई रे, और ठाड़ी ठाड़ी रामा पंचो मन में रही मुस्क्याई रे, से नौजवान साथियों समधन को भात पहनाया है और रुक्मणी से कही अब तुम पीछे हट जाओ, अब नंबर हम आओ है। रुक्मणी के पति गणपत को इशारा दिया है, इधर आ जाइए बहनोई साहब, देखिए भगवान आज साले बन गए, भक्तों ने उनको नाना भात नचाया, जहां जो बनाया वही बन गए। आ जाओ अब हमारा तुम्हारा नंबर है। ए बन गए रे भतैया घन श्याम पटा पे ठाड़े बने बारी, ए गणपत जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई, गणपत जी को आगे बढ़कर हर ने लियो बुलाई, ओ सुंदर एक अनरखी अब तो दीन हाथ गहाई, हंस गए रे हम में हंस गए रे हुमन पे श्री मान बटा पटाड़े वनवारी, बन गए रे हम में बन गए रे भतैया घन श्याम बटा पटाड़े वनवारी। अरे अरवन खरवन की दौलत सब वहां पे रहे लुटाई, अरवन खरवन की दौलत जब वहां पर रहे लुटाई, दशा देख के आज तो भक्त की सेठ रहे मुस्क्याई, नीचे कर गए रे हम में कर गए रे नीचे को जे तो ने पटा पटाड़े वाने वाली, बन गए
गणपत को भात पहनाया। ये रुक्मणी लगी हैं, हर स्त्री को उतनी ही कीमती चीज दे रही हैं जितनी कीमती चीज भगवान मुरली मनोहर दे रहे हैं। अब नंबर आ गया है, इशारा दिया है, बहन अब इधर आ जाओ। रामा सामने पहुंची है, नेत्रों में आंसू भरे आए रामा के। रो रही हो तुम? हाँ भैया, मैं इसलिए रो रही हूं, तुम्हारे भक्त को लोग इतना दुख देते हैं, ऐसा क्यों है? भगवान कहने लगे, नहीं, कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है, कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है, तुम्हारो बबला जो नरसी मेरी गोदी को खिलाना है, तुम्हारो बबला जो नरसी मेरी गोदी को खिलाना है, अरे आधार तज के मोहक को तू हर को भज ले रे, उठेगी दुनिया जे तेरी तेरा आखिरी तो गोना है, उठेगी दुनिया जे तेरी तेरा आखिरी गोना है, कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है, ये तो सब कसौटी पर रख करके इनकी परीक्षा ली जाती है। अब लीजिए बहन, सत्ता करोल की चूंदर हर ने हाथ में उठाई, उतनोई कीमतों घांग रो रामा को रहे पहनाई, महाराज बीत रही घर में जय जयकार, आज भक्त को कैसे भगवान भेजे भोजन पसारी, ओरी बहनारी ओरी गुइयारी, आज कन्हैया घर में आए आए हैं, इन पे मुरली निकली जो बजे बायोरी हम जोली, आज रसीलो घर में आए गयो है, इन पे बंसी निकली जो बजे बायोरी भायली, आज श्यामलो घर में आए गयो है, इन पे मुरली घर में। इतना कीमती भात आज बहन रामा को पहनाया है। ये भात का समय 10 बजे से शुरू हुआ बंधुओं, सुबह 4 बजे तक भात पहनता रहा है। अरबों की दौलत भगवान जो है मनसा सेठ को देते हैं, गर्दन नीचे को झुक जाती है, ऊपर गर्दन नहीं उठा सके। जब भात पहना दिया और हाथ उठा के भगवान बोले, कोई रह तो नहीं गया? सबकी गर्दन नीचे को थी और जवाब था कि कोई नहीं रहा। आसन डाल दिया मनसा सेठ ने, भोजन पाली जो भगवान कहने लगे नहीं। नरसी कहने लगे, हम अपनी बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीना पसंद करते हैं। भगवान कहने लगे, हम अपनी बहन के यहाँ जल नहीं पीना चाहते, अब हमें विदा कीजिए। सब लोग भगवान के पीछे चलते हैं विदा करने के लिए। गांव के बाहर तक इनको विदा किया गया तो सवेर होएगा, पीरी फटे गई। सो बिटरियां जो रात में भात आत पहने भी कहीं सुजगती तो रही, उनने के अवकाश हुए, चलो गोबर कुरु कर ले। सुबह चमकनी चमकनी चुनरियां पहने और गोबर कुरु करते फिरे, और कच डुकरियां ऐसी होती जो ज्यादा खा लो सो सुसे आई रही, रात में पहुंची ना। सो जो उनने देखो कि ओरी नकटी ते बाप तो बनाए गरीब हुए, जो चुनरिया इतनी कीमती नई नई और फिरो तुम सारी, कांत चुराए के लाइयो दारी, बता दे तेरा बाप तो इतना गरीब है और जे नई नई साड़ी होई प्रति नकजी कहां ते दुकाए लाई हो। एक मोड़ी ठाड़ी होके कान लगी, ओ भसूड़ी तू कहां रही, हमने तो बहुत ढूंढी, कहां भाव तो पतो ही ना, रात में सामलिया आओ और सबे तो ये तो भात पहनाओ।
हाय पांच छह डुकरियां जो नए पहुंची सुकान लगी कि बिटिया फिर गाओ की है अब हाल तो गए ही भात पहनाए के जय दड़े मैं रथ गाओ। जो डुकरियन ने सुनी हाय उनने लहंगटन को कछूटा मारो भज दो भाजा भाज लगी। अब कान भजन डुकरियां फसू कर डारी गई सोई ठारी हो गई एक खेत रथ रहेगा सोई चिल्लान लगी अरे सामलिया ठाड़ो है दा अरे सामलिया ठाड़ो है जा और कछु होए तो मोगू दे जा और ना होए तो फिर की कह जा अरे कछु होए तो मोगू दे जा और ना होए तो फिर की कह जा मैं ना रातें में आ पाई हूं निक मोह कछु दें जा और ना हो तो फिर की कहें जा। कन्हैया ने एकदम कहे कुबेर रथ को रोक दो। पूरी रात हो गई भात पहनाते रहे और इस तरह से इतनी बुढ़िया ऐसी बनी रही सिरसागढ़ में जिनको भात ही नहीं पहना पाया। जा सवा पहर तक सिरसागढ़ के अंदर हुंडी की बरसा करवा दो। ओ खनन खनन खंडाय रे हुंडी बरसा करवाई सगड़ में करवा दिए बंधु गली गली कूचे कूचे दौलत से भर दिए भगवान ने। इस तरह से भक्त नरसी को वाद दे करके श्याम सुंदर दोहर का धीश नरसी के साथ दोहर का धीश के लिए कितनी भारी मुसीबत थी मगर उस मुसीबत को हल करने में जरा भी देर नहीं लगी। इस तरह से वाद दे करके भगवान श्याम सुंदर चले गए। नरसी भक्त की कथा रे जल्दी में सुनाई गई गागे घड़ी रही है पंचरे घड़ी रही है पंचो पूरा डेढ़ अरे बजा के महाराज सुनाई दे मिन लीला भरपूर मैं सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माप कसूर महाराज मेरो आधार चेतन है नाम यादव कुल में जन्म भयो है पुन पुन मेरी प्रणाम महाराज आपके हूँ चरणों का दास छोटो सो गांव खुरदन को नंगला है कुर्रा के पास महाराज अरे ध्यान मेरे कहने पर दीजे और कैसे सही दो चौरा थोर कैसे ले लीजे कथा उन्हीं में सुन लीजे और प्रभु के सुंदर वसीले अरे कथा को ग्रहण कीजे हरि हर बोलो मेरे भैया और कर्म लिखी नाम दे करो चैला को जग भैया। सुंदर वसीले अरे कथा को